क्रिश फ्रेंचाइजी में ऋतिक रोशन का बोलबाला तो है ही, मगर क्या कोई और कैरेक्टर है जिसे ऑडियंस दोबारा देखना चाहती है? क्रिश में नसीरुद्दीन शाह की एक्टिंग एंड डॉक्टर सिद्धांत आर्य लोगों को बहुत पसंद आई थी, मगर क्रिश 3 में विवेक ओबेरॉय एज काल है सबके फेवरेट। विवेक को अपने रोल काल के लिए बहुत तारीफ मिली थी, जिसमें सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उनके लिए तब था कि उन्हें हॉलीवुड के फेमस एक्टर हीथ से कंपेयर किया गया था। हम आपको बता दें कि हॉलीवुड का फेमस कैरेक्टर जोकर हीथ ने ही निभाया था। हीथ एक ऑस्ट्रेलियन एक्टर है जिन्हें कई फेमस अवार्ड्स जैसे एकेडमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, BAFTA अवार्ड मिले हैं। और ऐसे में उनका जोकर का कैरेक्टर तो लोग भुलाए नहीं भूल सकते हैं। अब जब विवेक का काल का कैरेक्टर इतना फेमस हुआ था तो कई लोगों को हीथ की झलक दिख रही थी विवेक में। विवेक ओबेरॉय को जब पता चला कि उनकी परफॉर्मेंस को ऑस्कर विनिंग एक्टर हीथ की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जा रहा था, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि बहुत अच्छा लग रहा है, इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन किया जा रहा है। लेकिन विवेक जानते हैं कि ये उनके फैंस का प्यार है और दोनों परफॉर्मेंस कंपेयर नहीं किए जा सकते, इसलिए अपने हम्बल एटीट्यूड के लिए विवेक ने ये कहकर हीथ को इज्जत दी कि वो बहुत बड़े स्टार है, हमारा कहाँ उनसे मुकाबला। इसलिए ऑडियंस काल के कैरेक्टर को दोबारा स्क्रीन पर देखना चाहती है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं। क्रिश 3 में ना तो प्रियंका चोपड़ा होगी और ना कंगना रनौत। कंगना का केस तो बहुत सिंपल है कि उनके ऋतिक के साथ जो आपसी तनाव है उसके चलते मूवी में उनकी एंट्री पॉसिबल ही नहीं है। वही हॉलीवुड स्टार बनी PC अब क्रिश 4 के लिए नहीं लौटने वाली है। प्रियंका चोपड़ा जिन्होंने प्रिया का किरदार मूवी में निभाया था वो मूवी में जिंदा ही रहेगी, बस उन्हें अब क्रिश से दूर दिखाया जाएगा, इसलिए उन्हें शूटिंग करने के लिए नहीं लौटना पड़ेगा। मूवी की स्टोरी लाइन में प्रिया कहीं नहीं जाएगी, मगर एक नया लव एंगल इंट्रोड्यूस होगा जो कि बॉलीवुड की फेवरेट कियारा आडवाणी निभाती नजर आएंगी। कियारा का रोल क्रिश की नई दोस्त का हो सकता है जो क्रिश के साथ प्यार में पड़ जाएगी, मगर मेकर्स एंड में ऋतिक और कियारा की जोड़ी को साथ में नहीं दिखाने वाले हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।